नमस्कार। डिस्कशन कम्युनिटी पर इस हफ्ते का टॉपिक क्रिएट किया जा चुका है। जैसा आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ मुद्दे पर मैं डील कर रहा हूं और नेशनल मुद्दे पर आकाश सर डील कर रहे हैं, और इस हफ्ते के टॉपिक की खास बात क्या है वो हम लोग यहां पर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेशनल की बात कर लेते हैं, आकाश सर से जानते हैं, उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ इश्यूज़ पर आएंगे। सर, नेशनल जी, इस बार नेशनल टॉपिक जो यहाँ पर दिया गया है वो वाटर क्राइसिस के मैनेजमेंट को है। अब ये टॉपिक क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक पर CGPSE ने लास्ट ईयर इससे में एग्ज़ाम भी था, और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत देश में आने वाले साल में, मतलब कि 2032 तक 60% जो ग्राउंड वाटर है वो डिग्रेड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी चैलेंजेस हैं कि जैसा कि हमको पता है कि बहुत ज़्यादा, चाहे वो गृह के लिए हो, चाहे उद्योग के लिए हो, चाहे खेती के लिए हो, हम इन्हीं नदियों के पानी के ऊपर निर्भर करते हैं। और अगर ये जल संसाधन हमारा अगर ख़त्म होता जाएगा तो हम इतनी बड़ी मानव जो ज़रूरत है उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो एक हमें एक अच्छी वाटर मैनेजमेंट चाहिए। जब हमें दिख रहा है कि हमारे नदियों के ऊपर भार ज़्यादा होगा, निर्भरता ज़्यादा होगी, तो हमें एक अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता है जिसके माध्यम से आने वाली इस समस्या से हम पहले ही निपट सकें और अपने आप को इतने सशक्त करें। जी, तो ये नेशनल टॉपिक है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के टॉपिक पर। और नेशनल टॉपिक में जैसे इस पर वाटर क्राइसिस से दिया गया, तो इस पर गर्मी में भी कुछ खास देखा गया कि किस तरह से जो पानी की प्रॉब्लम्स हुई, नदियां सूखी और काफी ज्यादा न्यूज में भी जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और जो यहाँ पर रेनफॉल का पैटर्न है वो भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। कहीं पर नदियां इतनी उफान में आ जाती हैं कि आसपास के खेत खलिहानों को डुबा देती हैं अपने बाढ़ के एग्जाम्पल। बिल्कुल, अभी रिसेंट एग्जाम्पल है। और कई जगह पर ऐसे देख रहे हैं कि जहां पर सामान्य तौर पर पानी में होना चाहिए या वर्षा होनी चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा। तो एक तो प्राकृतिक परिवर्तन जैसे एग्जांपल में चेन्नई को भी ले सकते हैं। चेन्नई हुआ, वो फ्लड मैनेजमेंट का एक अच्छा एक पार्ट बन जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और एक्चुअली ये टॉपिक ना सिर्फ आपको एसे में काम आ सकता है बल्कि आपका पेपर नंबर 5 में भी काम आ सकता है। पेपर नंबर 5 में ज्योग्राफी को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर वहां पर भी इंपॉर्टेंस है, एसे के लिए इंपॉर्टेंट तो ये है। और अगर आप इस वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो थोड़ा सा पॉलिटी का भी फ्लेवर है, क्योंकि नदियों के विवाद भी, जब नदियों का पानी सूखेगा, राज्यों को जब पानी नहीं मिलेगा, तो राज्यों के बीच में, मतलब जो संघवाद हमारे देश का, उसमें भी हम सीधा प्रभाव देखते हैं। जैसे कि कावेरी विवाद जो है इसका एक उदाहरण है, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में भी महानदी को लेकर ये विवाद चल रहा है। तो इसलिए ये आपका छत्तीसगढ़ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, आपके पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसका इंपॉर्टेंस अगर आप देखा जाए तो आपके CGPSE के संपूर्ण सिलेबस के लिए छोटे छोटे जगह कर कहीं पर बड़े रूप में, कहीं छोटे रूप में महत्वता तो इसकी बनी हुई है। तो इस टॉपिक को आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ना सिर्फ ये टॉपिक आप लोगों के लिए ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि मेंस में जहां भी, अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वहां कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको यूज में आते रहेंगे। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ में हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस बार जो हमने टॉपिक रखा है वो जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है छत्तीसगढ़ का 2019 से लेकर 2024 तक। तो अगर सर आप तो खैर इकोनॉमिक्स के फैकल्टी हैं, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर हम बात करें, इस न्यू पॉलिसी की, तो इसको आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि ये कितना हेल्पफुल हो सकता है, ना सिर्फ राइटिंग में बल्कि पेपर नंबर 5 में भी। जी, इसे आप इकोनॉमी या फिर किसी विषय पर जोड़ें, इससे पहले जरूरी है कि हम इसे सीधे तौर पर देख सकें कि रोजगार पर आपका जो सबसे पहला टॉपिक जब आपने दिया था, तब आपने एक रोजगार के ऊपर एक टॉपिक दिया था। ये रोजगार के ऊपर चर्चा सीधे तौर पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर जाती है। अभी हम यह देख रहे हैं कि हम एक जनानकी लाभांश के दौर से गुजर रहे हैं जहां पर हमारे पास युवाओं जनसंख्या का लाभ है, और हम चाहते हैं कि इन युवा जनसंख्या का हम इस प्रकार से उपयोग करें, अनुकूलतम उपयोग करें, जिससे हमारे देश में घरेलू उत्पादन भी बढ़े और उनको रोजगार भी मिले। तो हमारी पॉलिसी कहीं ना कहीं इस हमें एक कैपिटल गुड्स निर्माता के तौर पर जो हमारा एक दृश्य बना हुआ है, हम एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अपने आप को स्थापित करें, और जो लघु मध्यम उद्योगों के साथ साथ में वृहद उद्योगों को भी ध्यान में दिया जा सके, और यह भी किया जा सके जो हमारे पास ये रोजगार, ये जो जनसंख्या है, जो लाभ है, उनके कुशलता पर, उनके कौशल पर विकास करके, उनको एक अच्छे मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करके उन्हें इन रोजगार में डाला जाए। तो यह जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है सिर्फ वस्तुओं के उत्पादन नहीं, गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के उत्पादन और रोजगार साथ में यहाँ पर सुनिश्चित करने के ऊपर केंद्रित है। तो ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर 5 के लिए भी, पेपर ऐसे राइटिंग के लिए, पेपर 5 के इंडियन इकोनॉमी और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है ये। हाँ, और कहें तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने इस गवर्नमेंट की जो आने वाला समय है उसका रोड मैप भी तैयार करता है, रिपोर्ट कार्ड, हाँ, उनके रिपोर्ट्स कार्ड भी बनेगी। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इश्यूज और छत्तीसगढ़ इश्यूज के इस टॉपिक को आप लोग अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। और फेस्टिव सीजन के बाद अगर कहें तो फेस्टिव सीजन खत्म हो चुका है, जो लोग इन्जॉयमेंट से थोड़ा सा बाहर आ जाइए, जो लोग इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि पिछले दो डिस्कशन कम्युनिटी पर देखोगे जो दो टॉपिक थे बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है।
तो फेस्टिव सीजन खत्म हो गया, बाहर आइए और फिर से पूरे मतलब वही उसी ऊर्जा के साथ उसी ऊर्जा के साथ में फिर से अपने आप को फ्लो में लाइए, क्योंकि फ्लो में बनना बहुत जरूरी है। अब फ्लो में जब हम काफी फेस्टिव मोड पे रहते हैं तो फ्लो थोड़ा सा भटक जाता है। ये बहुत ही सामान्य भी हो सकता है कि अभी आप थोड़ी सी बेचैनी या फिर परेशानी व्याकुलता का अनुभव कर रहे होंगे, पर निश्चिंत रहिए ये तैयारी करने वाले लगभग 99% छात्रों के साथ होता है। लेकिन जरूरी है वो जो चीज रुक गया है वो वापस आ, जल्दी से जल्दी आप उसे ओवरकम कर लें तो सारी चीजें हो जाएंगी। कि अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। थैंक यू। और एक बात और मेरी तरफ से, जो भी प्रॉब्लम्स आएगा आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो अपलोड करने से रिलेटेड हो। और इसके अलावा हम लोग जो कमेंट वहाँ पर नहीं डाल पा रहे थे वो अब कमेंट आपको रेगुलर मिलने लगेंगे। जो पहले जिसने भी अटेम्प्ट किया है उसको भी बराबर कमेंट मिलेगी, और एनालिसिस वीडियो जो पिछले हफ्ते का टॉपिक था वो आपको भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो ठीक है, आप लोग डिस्कशन कम्युनिटी पर जाइए और इस हफ्ते के टॉपिक को अटेम्प्ट जरूर कीजिए। धन्यवाद।